पूरे गांव के लोगों से सब उसके साथ है। एक तो हमको रिक्वेस्ट है गांव के लोगों से कि देखिए जिसके साथ इस तरह की घटना हुआ इज्जत उसकी नहीं जाती है, जिसने किया उसकी इज्जत को अब दाग लगता है। और एक तो समाज उसके साथ खड़ा रहे मजबूती के साथ, काफ़ी गरीब परिवार के लोग हैं, तीन उनकी बच्चियाँ हैं, हमने उनको हौसला दिया और कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरा, कानून इतना मजबूत है कि अगर आप सब साथ रहेंगे और सिर्फ बच्ची की ही गवाही पूर्ण होती है, अब वो यहाँ बयान दे चुकी है, अब कोर्ट में जब बयान होगा, जैसा कि हमने थाना से भी पूछा, फॉरेंसिक जांच में भी वो चार लोगों का नाम आ चुका है, मेन जो एक्यूज है। शर्म की बात और हैरानी की बात एक बहुत बड़ी है कि प्रशासन ऐसी घटनाओं को ये अंजाम नहीं होता, क्योंकि जो मेन एक्यूज है ये पूरा ग्रुप इससे पहले भी तीन चार घटना कर चुका है और प्रशासन को उसकी खबर भी दी गई थी, तो उसके बाद प्रशासन क्या सो रहा था। हमने अभी 24 घंटे का उनको वक्त दिया है, जो मेन दो लोग हैं उनके घर में आप कुर्की कीजिए, उनके घर के लोगों को पकड़िए, तो निश्चित तौर से वो भी तुरंत पकड़ाएंगे। अगर प्रशासन एक्टिव रहेगा और नियत सही रहेगी तो 24 घंटा बहुत होता है। और हम लोग ऊपर हमने उनको कह दिया कि हम होम मिनिस्टर को भी चिट्ठी देने वाले हैं और कि 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक पर इस कानून का बलात्कार का केस को सुना जाता है, तो हमारी मांग भी है और इसको हम लोग पूर्ण कराएंगे भी कि 3 महीने के अंदर ये छः को लगभग 30 साल की सजा होती है जो कानूनन है, लेकिन जिस तरह की घटना है हम लोग डिमांड ये करेंगे कि उन छियों को फांसी का।